आज हम इस बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम को इस तरीके से फोल्ड किया है। आपको बुकरम की चौड़ाई गले के हिसाब से रखनी है। जितना चौड़ा आप गला पहन रहे हो उससे 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लीजिएगा। 2 इंच गले की चौड़ाई ली है यहाँ पर मैंने। और लंबाई की बात करें, लंबाई पहले हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, तो यहीं से हम इसे सेव देंगे। उसके बाद इसका एक बॉक्स बनाएंगे ये इस तरीके से, फिर इसको हम गोलाई में सेव देंगे। तो इस तरीके से हम इसको गोलाई में सेव देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 इंच छोड़ना है। देखिए इस तरीके से 1 इंच छोड़ना है, और उसके बाद हम इसकी लंबाई का मेज़र करेंगे जहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन हम 8 इंच पर डालेंगे ये इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इसका डिज़ाइन बनाने के लिए। अब यहाँ पर भी हमें 3 इंच लेना है। इसके बाद इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे हम, और इसके बाद हम इसमें सेप देंगे। तो सेप किस हिसाब से देंगे, यहाँ पर 1 इंच छोड़ने के बाद इसे हम इस तरीके से सेप देंगे। देखिए जो ये लाइन है ना बीच की, ये मतलब सेंटर पॉइंट है इसका गले का, और उसी के हिसाब से इसमें हम सेप देंगे। तो इस तरीके से मैं इसको इस सेप में दे रही हूँ, ये अंडे का आकार का सेप दे रही हूँ मैं इसको। आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन हार्ट सेप या फिर राउंड सेप भी दे सकते हैं। मैंने इस तरीके से ऐसा सेप दिया है। उसके बाद हमें मार्जिन लेना है, यानी कि बुकरम पट्टी लेनी है। तो बुकरम पट्टी के लिए यहाँ पर 1 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा लेना है बाहर की तरफ को, और इस तरीके से इसे सेप देना है। तो उसी सेप में हमने बुकरम पट्टी पर भी मार्किंग की है, तो इसी सेप में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने बुकरम को पकड़ना है इस तरीके से और कटिंग करनी है। इसके बाद नीचे वाला पार्ट काटेंगे। ये 1 इंच हमने यहाँ पर इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे, तो ये अच्छी फिनिशिंग के साथ गला बनके हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। डोरी वाले में ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसके बाहर की तरफ को भी हम कटिंग कर लेंगे। और इसे आपको खोल के दिखाते हैं कि ये इस तरीके का लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाद में हम यहाँ पर इसमें कट करेंगे तो डोरी अटैच करने के लिए। तो ये डोरी लगने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा, देखिए। और जो हमने 1 इंच छोड़ा था ना, वो इस तरीके से इस पर डोरी अटैच होगी, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।